बनाना वो सबसे बड़ी गलती है। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, बड़े ज्ञानी है माशाल्लाह, उनको बेरोजगार क्या है बेरोजगारी नहीं मालूम। चाय तो बेचते थे मगर किसान को खाद नहीं मिल रहा उसकी फिक्र नहीं है। चाय तो बेचते थे मगर रोजगार युवा को देना उनके दिमाग में आता नहीं। हाँ, जो बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नरेंद्र मोदी को उनकी तकलीफ उनके दिमाग में नजर आती है। फिर बोलते अल्लाह का कानून क्या कहता है, अगर कोई दीवाना पागल किस्म का मुसलमान अपनी बीवी को 3 मरतबा कह दिया तो मोदी सरकार कहती है शादी नहीं टूटती। चलिए शादी नहीं टूटी ना तो गुनाह नहीं हुआ, ये बोलते केस बुक करो। अब केस बुक हो जाएगा, वो जेल चला जाएगा तो कोर्ट में कौन आएगा उस लड़की की कि बोलने के लिए कि इस गधे ने 3 मरतबा कहा था। और फिर बोलते जेल में बैठकर उसको पैसा देगा तू, कोई जेल में बैठकर पैसा देता है बीवी को अपने? और ये बोलते हैं कि शादी भी नहीं टूटेगी तो 2 साल अगर कोर्ट सजा दे दिया तो आप कह रहे हैं कि शादी नहीं करे। भाई अगर मेरा मेरी बेटी का मेरे बच्ची का शौहर अगर जेल को जाता है अपनी बीवी को इस तरह गलत कहने पर तो शादी खत्म होनी चाहिए ताकि वो बच्ची अपनी नई जिंदगी गुजार सके, वो दोबारा शादी कर सके, दोबारा मां बने, उसके आंगन में खुशियां आ सके। मगर मोदी सरकार खुशियां नहीं लाना चाहती, वो कहते हैं कि 2 साल की सजा होगी, कोर्ट से जब निकलेगा तो बैंड बाजा बजाओ, बैंड बांधा वालो और कहना कि बहाओ फूल बरसाओ दीवाना शौहर आया। अब आप बताइए कौन सा दिमाग है इनका, कहां का दिमाग है? मकसद क्या है कि नौजवान जेल में जाए और बच्ची फिरते रहे परेशान हो जाए। देश के प्रधानमंत्री हमारे कान में फूल नहीं, हम आपको अच्छा पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। मगर अगर आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है तो कर्नाटका की बच्चियों को अपने घर में बुलाकर चाय पिला और खाओ, पढ़ो हिजाब और निकाब पहनकर पढ़ो। मगर देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है, ना बीजेपी को पसंद है। ये बाबा बोलते हैं कि ओवैसी तालिबानी मानसिकता रखने वाला है। मैं तालिबान? मैं तो जमहूरियत पर लोकशाही पर भरोसा करता हूं। तालिबान ने अफगानिस्तान काबुल में बच्चियों को स्कूल जाने से रोक दिया, तुम और उनमें क्या फर्क है तुम देख लो। मैं तो मेरी बच्ची को पढ़ाना चाहता हूं। मैंने कहा कि देश की प्रधानमंत्री इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं होगा, मेरी जिंदगी के बाद होगा। देश की एक दिन प्रधानमंत्री हिजाब और निकाब पहनने वाले बनेगी तो बीजेपी। क्या सिलेंडर के निशान पर बटन दबाइए, क्या ये बात सच नहीं है कि किसानों को बांदा विधानसभा में खाद मिली? अब क्या मोदी जी कहां से लाएंगे खाद? बाबा को बोलेंगे खाद मत पूछ, बुलडोजर बुझा दूंगा। बाबा किसान को खाद नहीं मिल रहा है, अमोनियम फॉस्फेट बांदा में नहीं मिल रहा है, बाबा बोलेंगे उसकी फिक्र मत कर मुगलों को हराना। एक देश प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जिसने संविधान पर अंबेडकर के बनावे संविधान पर कसम खाई है कि भेदभाव नहीं करेगा, एक टीवी चैनल का इंटरव्यू देते बाबा ने मुसलमानों से कहा कठपुतले, क्या तुम कठपुतले हो? तुम इंसान नहीं हो? क्या तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है? क्या तुम्हारे जज्बात नहीं है? तो फिर कब दिखाओगे? अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो, अगर जिंदा हो तो अपने हक के लिए और दो। हां अगर तुम कमजोर हो तो फिर तुम पैर का फुटबॉल बनते रहोगे, मगर याद रखो मेरी इस बात को, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं 5 साल के बाद जो बच्चा और बच्ची आज 15 साल की है वो तुमसे आंख में आंख डालकर पूछेगी, बताओ अब्बा, बताओ अम्मा, बताओ चाचा, बताओ बड़े बाबा कि मेरे स्कूल का क्या हुआ, मुझे क्यों जेल में डाला गया, मुझे क्यों अपनी हिस्सेदारी में हिस्सा नहीं मिला, तो क्या जवाब दोगे तुम? तुम गुलामी मत सिखाओ, हिस्सा लो हक लो और खड़े हो जाओ अपना लेने के लिए। अगर तुम ये समझते हो कि ये हम ऐसा करेंगे ये हो जाएगा, नहीं, आपके मसाइल हैं, गरीब के मसाइल भी हैं, अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा समाज ओबीसी समाज को एक होकर लड़ाई लड़ना है, इसको सामाजिक न्याय कहते हैं। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं
कि आप बाबू सिंह कुशवाहा के दोनों प्रत्याशी को अपने ओट से अपनी दुआओं से आशीर्वाद देकर कामयाब करिए और मैं अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भाइयों बहनों से कहना चाह रहा हूं, अचानक देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं का नाम ले रहे, उनको ख्वाब में आ गया मुस्लिम महिला, तो देश के प्रधानमंत्री जाकर कह रहे हैं कि मैंने ट्रिपल तलाक का कानून निकाल दिया, मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा मामला था। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा और बांदा में खड़े होकर कह रहा हूं ट्रिपल तलाक गुनाह है, मगर उसको क्रिमिनल बनाना नहीं चाहिए ताकि वो बच्ची अपनी नई जिंदगी गुजार सके, वो दोबारा शादी कर सके, दोबारा मां बने, उसके आंगन में खुशियां आ सके। मगर मोदी सरकार खुशियां नहीं लाना चाहती, वो कहते हैं कि 2 साल की सजा होगी, कोर्ट से जब निकलेगा तो बैंड बाजा बजाओ, बैंड बांदा वालों, और कहना है कि बहाओ फूल बरसाओ दीवाना शहर आया। अब आप बताइए कौन सा दिमाग है इनका, कहां का दिमाग है, मकसद क्या है कि नौजवान जेल में जाए और बच्ची फिरते रहे परेशान हो जाए। देश के प्रधानमंत्री हमारे कान में फूल नहीं है, हम आपको अच्छा पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं, मगर अगर आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है तो कर्नाटका की बच्चियों को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाओ, खाओ पढ़ो, हिजाब और निकाब पहन कर पढ़ो, मगर देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है। 20 सीट भी जीतेंगे और 19 सीट पूरे बीजेपी हारेगी, बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे, मयम का पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होगा।